बिल्कुल नहीं आना। तो जो मुकाम मैंने सोच रखा ना, वो तो मैं हासिल कर ही रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए। बहुत ताने सुन लिए, अब ताने सुन लिए सबके, वो सुन ली, अब पीछे हट जाओ, मैं कभी नहीं हट सकती। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यार, खाना पीना सब हो गया है और वो जा चुके हैं, और इतना गंद है ना आज घर में, बहुत ज़्यादा। देखो, ये फ्रिज पूरा साफ कर रही हूँ, बहुत सब्जी वब्जी है ना सब, पता है बहुत ज़्यादा फ्रीज़र में बर्फ़ जम चुकी थी, तो उसको पिघलाने के लिए ये किया है, और ये बर्फ़ तो पिघल चुकी है। फिर मैंने सोचा फ्रिज भी साफ़ कर देती हूँ। फिर मटर वटर भी है, छील कर ना रखो ना इनको, तो है ना ये फिर सारी ख़राब हो जाती है। सारा भी है ना घर, ऐसा सारा घर ऐसे फैला हुआ है। नीचे भी सफाई की है मैंने, वो सारा सामान सेट करा है वहाँ पे। अब ये भी करूँगी, बर्तन वर्तन धोऊँगी, फ्रिज भी साफ करना है। देखो सारे में पानी पानी हो रहा है। तो अभी मैं मटर साफ़ कर रही हूँ, मटर छील कर रख रही हूँ। ये यहाँ लेटा हुआ है अपना भीम देख रहा है। तो आज मुझे बहुत काम है यार, बहुत, पूरा घर फैला हुआ है, पूरा घर। तो बस वेट कर लेती हूँ सारा काम फटाफट, फिर मिलती हूँ आपसे। तो भाई, मैंने फ्रीज तो पूरा खाली कर दिया, तो मुझे ना ये पूरा धोना पड़ेगा, मांझना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। ये थोड़ी सी बर्फ़ रह रही है, तो मैं इसे खींचाकानी नहीं कर सकती, क्योंकि नीचे से वायरिंग जा रही है, तो ये टूट सकती है। तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। बंद कर दिया मैंने फ्रीज, सारा खाली कर दिया, बस अब है ना इसे फटाफट चूने से रगड़ देती हूँ, धो देती हूँ इसको। और भाई पीछे है ना इतना गंद हो रहा था, देखो फ्रीज के चूहों ने इतना बुरा हाल कर रखा है, तो मैंने आगे खिसकाया है। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे है ना धोना पड़ेगा ये सारा, तो पूरा फर्श मुझे वॉश करना पड़ेगा चूने से रगड़ रगड़ के, क्योंकि तभी सफाई हो पाएगी। और है ना कुछ दिन से चूहे आ रहे हैं, एक दो दिन में ही देख लो, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, क्या बुरा हाल कर दिया। तो भाई मुझे है ना सारा धोना पड़ेगा, तो मैं साथ के साथ गैस वैस सब धो दूंगी, और बर्तन बाद में धोऊंगी, पहले सारा ये धो देती हूँ, पूरी किचन धो देती हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा पोछा लगाने का, मेरा मन कर रहा है धो दे इसे, तभी साफ होगा। तो मैं इसको है ना पूरा वॉश कर देती हूँ, तो मिलती हूँ मैं आपसे। मेरा फ़ोन है ना बंद हो गया था, तो इसलिए कंटिन्यू वीडियो नहीं हो पाई, मुझे नहीं पता था कि फ़ोन बंद हो चुका है।
बहुत देर बाद देखा, और मैंने है ना बर्तन भी वॉश कर लिए, सारे बर्तन वॉश कर लिए, सारा संभाल दिया, फ्रिज मेरा सेट हो गया है, और इतना वीडियो में हो गया था, बस बर्तन का नहीं हुआ था। अब मैं रसोई ये गैस दूंगी, ये कुत्ते डॉग के लिए लेके जानी है रोटी। और भाई मैं जैसे ही सारा काम करके हटी ना, तो मैंने इसको पोटी करा दी थी, मुझे नहीं पता था इसको दोबारा, अब पता नहीं पेट खराब हो सकता है, इसने पूरी चादर पे कर दिया। अब देखो मुझे पूरी चादर धोनी पड़ेगी, इसको नहलाना है, और फिर झाड़ू पोछा करने हैं, और फिर उसके बाद नहाऊंगी, फिर जाके मैं वीडियो, फिर आराम नहीं करूंगी, फिर जाके मैं वीडियो बनाऊंगी। आप सबको लगता है ना कि बस फ़ोन उठाती है, नाचती है, मेकअप करती है और वीडियो बन जाती है। नहीं यार, बच्चे को रखती हूँ पूरी, जब मैं तैयार हो जाती हूँ ना, कभी कभी तो ये बीच में रोने लगता है, फिर मैं इसको चुप कराती हूँ, सुलाती हूँ जैसे मर्जी, फिर मैं वीडियो शूट करती हूँ, सारा घर का काम करके, और फिर नाश्ता जब टाइम मिलता है तब खाना खाती हूँ। आप सारा काम करके बस हम ये सोचते हैं आराम मिल जाए, फिर मैं इसको नहलाती हूँ, इसको तैयार करती हूँ, इसको सबसे बाद में नहलाती हूँ मैं, क्योंकि फिर ये गंदा हो जाता है, इसलिए मैं इसको सबसे बाद में नहलाती हूँ। फिर मैं भाई इसके रोता है, इसको घुमाती हूँ, दूध पिलाती हूँ, बहुत चीज़ें होती हैं, तब जाके मैं वीडियो भी बनाती हूँ। और सोचती है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या करती है, ये वीडियो बनाती है, ये बनाती है, वो करती है, और नाचती है, नाचने में कुछ नहीं लगता। एक बार घर का सारा काम करके और फिर तैयार होके और वीडियो बनाकर ठुमके लगाकर देखो, पता चल जाएगा कि कितनी थकावट होती है। खाना तक नहीं खा पाती हूँ मैं वीडियो के लिए, तो प्लीज़ यार प्लीज़, बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, 2 साल से मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ यार प्लीज़ सपोर्ट करो। आप उनको सपोर्ट कर रहे हो जिनके ब्लॉग में कुछ होता भी नहीं। चाहूँ तो मैं रोज़ आपको ये चीज़ दिखा सकती हूँ कि मैं घर का क्या करती हूँ क्या नहीं करती, मैं सिर्फ इसलिए नहीं दिखाती कि आप बोर ना हो जाओ कि ये डेली डेली यही चीज़ दिखाती है, कुछ और दिखाती नहीं है। इसलिए मैं मेकअप की, कुछ डांसिंग की, कुछ ऐसे लाती रहती हूँ ताकि आप बोर ना हो। तब भी यार आप सपोर्ट नहीं करते, एक लाइक तक नहीं करके जाते, एक लाइक तो कर दिया करो, इतनी मेहनत का एक लाइक तो कर दिया करो। तो चलो भाई मेरी मेहनत तो जारी रहेगी, देखते हैं कब तक भगवान इम्तिहान लेगा, पर मैं हारने वाली नहीं हूँ और हारूंगी भी नहीं, बिल्कुल नहीं हारना। तो जो मुकाम मैंने सोच रखा ना, वो तो मैं हासिल कर कर ही रहूँगी चाहे कुछ हो जाए। बहुत ताने सुन लिए, अब ताने सुन लिए, सबके वो सुन ली, अब पीछे हट जाऊँ मैं, कभी नहीं हट सकती। तो भाई अब मैं कर लेती हूँ चादर, उसकी पोटी धुला कर और उसको नहला देती हूँ अब साथ के साथ, क्योंकि अब तो साथ के साथ नहलाना पड़ेगा उसको, और चादर धोनी पड़ेगी, एक दो कपड़े और है हृदय के, वो भी अब हाथ से वॉश कर दूँगी। तो इसके पापा के भी एक जोड़ी कपड़े हैं, बाकी मैंने सारे धो रखे, एक जोड़ी कपड़े हैं उनके भी धो दूँगी, और एक जोड़ी मेरे है। तो मैं सोच रही हूँ अब मैं हाथ से ही वॉश करके, धूप निकली हुई है, आज बारिश नहीं हुई है, तो मैं बाहर जाकर सुखा देती हूँ। और अच्छा है यार आज बारिश नहीं हुई, बहुत 3-4 दिन से है ना ऐसा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। तो बस अब मैं इसकी कर देती हूँ, फिर मेरा पोछा रह जाएगा, बाकी मैंने सारा संभवा दिया सारा, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार, पता नहीं मैं वीडियो आज बना पाऊँगी कि नहीं। डेली का यार इतना ही काम होता है डेली का। हाँ ये है कि आज काम इसलिए बढ़ गया, फ्रिज मुझे साफ़ करना पड़ गया, लेकिन और तो सारा काम ही होता है, किचन रोज ही धुलती है, और क्या कहते हैं, हाँ नीचे से फ्लोर नहीं धुलता, लेकिन ऊपर से तो सारी धुलती है, उसकी टैल और क्या गैस, ये सब कुछ धोनी पड़ती है रोज। तो बस अब मैं कर लेती हूँ और फ़ोन चार्जिंग पर लगा देती हूँ, मेरा फ़ोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। तो बस अब पोछा लगाना है, बाथरूम धो दिया मैंने, बाथरूम लैट्रिन सारे धो दिए, सब कुछ धो दिया आज, तो मैंने फ्लोर सारा धो दिया आज, मेरा फ्लोर बहुत चमक रहा है, देखो बिना पोछे के चमक रहा है, अभी मैंने पोछा नहीं लगाया। और भाई मैंने सर्फ डाल के है ना चूने से रगड़ दिया सारा। तो बस अब मैं इसको कर देती हूँ, वो भी चीख मार रहा है, देखो तो इसको कर देती हूँ, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता, ये फ्रेश हो गया। तो बस इसको तैयार कर देती हूँ और फिर मैं खुद भी नहा लूँगी, और नहाने के बाद मैं आपको मिलूँगी, तो तब तक मैं फ़ोन भी चार्जिंग पे लगा देती हूँ, तो मिलती हूँ मैं आपसे नहाने के बाद। तो जी हृदय सो चुका है और बड़ी मुश्किल से सोया है, थोड़ी देर बाहर घुमाया, बाहर लेकर गए तो बच्चों ये खिला रहे थे इसको, और भाई दूध भी आ गया, तो दूध भी उबाल के रखती हूँ और हृदय का भी दूध बना रही हूँ, तो ये भी काम कर लेती हूँ और जल्दी से कर ले, क्योंकि है ना यही खड़ा होना पड़ता है, फिर है ना निकल जाता है दूध।
तो बस अब मेरा काम रह गया, बस मैं अब नहाऊंगी, नहाने के बाद खाना खाऊंगी, उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। तो मिलती हूँ आपको, अगर टाइम मिला तो ठीक है, नहीं तो इस व्लॉग का मैं यहीं एंड कर दूंगी। तो पता नहीं हिम्मत होगी कि नहीं होगी वीडियो बनाने की, अगर बना पाई तो ठीक है। तो दूध मेरा उबल चुका है और भाई ये वाला भी उबल जाए बस।